आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा लेकर आई हूँ प्रेशियस पर्ल्स, कहानियाँ नई पुरानी, कुछ अपनी, कुछ फेमस राइटर्स की और कुछ सोशल मीडिया से। सो आज मैं रूबरू हूँ एक कहानी, एक ह्यूमरस कहानी सोशल मीडिया से लेकर। एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया। तभी उसने देखा एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते की सांस रुक गई। आज तो काम तमाम मेरा, कुत्ते ने सोचा। बट ही थॉट एंड अप्लाइड अ लेसन ऑफ एमबीए। फिर उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। वो आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। वाह वाह, एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी आज तो। शेर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, अरे भाई, जान बचाकर भागने में ही भलाई है। और शेर वहां से जान बचाकर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, अच्छा मौका है ये तो, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ, शेर से दोस्ती भी हो जाएगी और उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा भी दूर हो जाएगा। वो फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई लोचा है भाई ये तो। उधर बंदर ने शेर को सारी कहानी सुना दी कि कैसे कुत्ते ने उसे स्टुपिड बनाया। शेर जोर से दहाड़ा, चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म करता हूं। और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर शेर कुत्ते की तरफ चल दिया। कैन यू इमेजिन द क्विक मैनेजमेंट बाय द डॉग, हाउ ही डेल्ट विद द सिचुएशन। कुत्ते ने शेर को आते हुए देखा तो एक बार फिर उसके आगे जान का संकट आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और वो फिर से पीट करके बैठ गया। ही अप्लाइड अनदर लेसन ऑफ एमबीए और जोर जोर से बोलने लगा। इस बंदर को भेजे हुए एक घंटा हो गया, स्टुपिड एक शेर को नहीं फंसा सकता, एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकता। जैसे ही शेर ने यह सुना, बंदर को वहीं पटका और वापस फिर से भाग गया। और इस तरह कुत्ते ने अपनी जान फिर से बचा ली। इस कहानी से दोस्तों हम क्या लेसन समझते हैं, सीखते हैं कि मुश्किल समय में अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोए। दूसरा लेसन, हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क ही करें, क्योंकि यही जीवन की असली सफलता है। द की टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क। थर्ड लेसन दैट वी गेट थ्रू दिस स्टोरी, आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान भटकाने वाले कई बंदर आपके आसपास भी हैं। पहचानिए उन्हें, सावधान रहिए उनसे और सुनते रहिए मनीषा के प्रेशियस पर्ल्स, ओशन ऑफ इमोशंस, रेडियो हिंदुस्तान पर। रोचक अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।